बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस लगन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेशी खिदमत हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामनक्लेचर हम सीख रहे हैं, तो आज के लेक्चर में हम कीटोन्स के नामनक्लेचर की बात करेंगे। कीटोन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप होता है। कीटो ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ को कहते हैं, और ये कीटो ग्रुप दो एक जैसे या मुख्तलिफ कार्बन चेन्स या रिंग्स के साथ अटैच होता है। कीटोन्स का जनरल फार्मूला आर सी ओ आर प्राइम होता है। आर और आर प्राइम दो एक जैसे या मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं, ये चेन या रिंग होते हैं। सबसे पहले हम कीटोन्स के कॉमन या ट्रिवियल नेम्स की बात करेंगे। कीटोन के जो कॉमन या ट्रिवियल नेम्स हैं उनको लिखने का तरीका ये होता है कि हम दो जो अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं कीटो ग्रुप के साथ उनके नाम अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखते हैं, और उसके बाद कीटोन लफ्ज का इजाफा कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अल्कोहल्स का नामनक्लेचर इस तरह का पढ़ा था कि अल्कोहल्स को कॉमन सिस्टम में नाम देने के लिए हम अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते थे और अल्कोहल लफ्ज का इजाफा करते थे। यहाँ आप कीटो ग्रुप के साथ दो अल्काइल ग्रुप हैं तो हम दोनों के नाम अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे और उसके बाद कीटोन लफ्ज का इजाफा कर देंगे। कीटोन जो लफ्ज होगा वो सी डबल बॉन्ड ओ को इंडिकेट करेगा। तो मसलन आपको ये पहली एग्जांपल नज़र आ रही है, इसमें ये कीटो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, इसके एक तरफ ये मिथाइल है और दूसरी तरफ ये इथाइल है। तो अब मिथाइल और इथाइल के नाम अल्फाबेटिकल आर्डर में हम लिखेंगे, इथाइल पहले आएगा मिथाइल बाद में, तो इथाइल फिर मिथाइल और आखिर में कीटोन। तो ये तीनों अलहदा अलहदा लफ्ज आएंगे, यानी नाम जो होगा वो थ्री वर्ड होगा। इसी तरह ये सेकंड एग्जांपल देखें, इसमें ये कीटो ग्रुप एक तरफ ये इथाइल है और दूसरी तरफ ये एन प्रोपाइल है। इथाइल का ई प्रोपाइल के पी से पहले आता है, तो इथाइल एन प्रोपाइल कीटोन ये नाम आ जाएगा। फिर ये जो थर्ड एग्जांपल है, इसमें आप कीटो ग्रुप के दोनों तरफ सेम ग्रुप है मिथाइल, तो अगर दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप हों फिर उसका नाम एक ही दफ़ा आता है और नाम के साथ डाई आ जाता है, तब इसका नाम बनेगा डाई मिथाइल कीटोन। लेकिन डाई मिथाइल कीटोन इज़ बेटर नोन बाई इट्स ट्रिवियल नेम विच इज़ एसीटोन। एसीटोन इसका ट्रिवियल नेम है, तो ये अपने उस नाम से ज़्यादा बेहतर तौर पर जाना जाता है। डाई मिथाइल कीटोन जो नाम है ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल ये कीटोन्स को कॉमन सिस्टम में नाम देने का तरीका है, कीटो ग्रुप के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनके नाम अल्फाबेटिकल आर्डर में अलहदा अलहदा लिख कर कीटोन लफ्ज आखिर में लिखते हैं। अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो उसके नाम के साथ डाई का इजाफा कर दें और आखिर में एज यूजल कीटोन लिख दें। इसके बाद हम आते हैं, ये कुछ मजीद एग्जांपल पहले देखें। यहाँ मैंने फार्मूलों को थोड़ा कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा है, यानी बॉन्ड्स को मैंने शो नहीं किया हुआ। तो यहाँ सी ओ जो लिखा हुआ है इससे मुराद हुई कीटो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, तो सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री इसकी बात हो चुकी, डाई मिथाइल कीटोन या एसीटोन। अगले कालम में इनके आयूपैक नेम भी हैं, अभी आप आयूपैक नेम सीखेंगे तो वो सीखने के बाद हम दोबारा इस टेबल की तरफ आएंगे। फिर इस तरह ये जो थर्ड रो है इसमें एक तरफ इथाइल एक तरफ सॉरी दोनों तरफ इथाइल है, इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन।
फिर अगली रो में देखें, एक तरफ ये इथाइल है लेफ्ट साइड पे और दूसरी तरफ ये एन प्रोपाइल है। नाम आएगा इथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। अगली रो में देखें, एक ये कीटो ग्रुप है, इसके एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ एन प्रोपाइल है, तो मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। और लास्ट रो में देखें, ये कीटो ग्रुप है, इसकी लेफ्ट साइड पे एन प्रोपाइल ग्रुप है और राइट साइड पे भी एन प्रोपाइल ग्रुप है, तो दो एन प्रोपाइल ग्रुप्स हैं। नाम आएगा डाई एन प्रोपाइल और आखिर में कीटोन। अब हम आते हैं कीटोन्स के आयुपैक नेम्स की तरफ। कीटोन्स को आयुपैक सिस्टम में नाम देने का जो तरीका है वो तकरीबन वही है जो एल्डिहाइड्स वाला है, सिर्फ ये होगा कि इसमें सफिक्स चेंज हो जाएगा, जो चेन के नाम के आखिर में हम ई हटाकर सफिक्स का इजाफा करते हैं, एल्डिहाइड की दफ़ा ए एल, अल्कोहल्स की दफ़ा ओ एल वगैरह, वो चेंज होगा। तो पहला रूल है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द सी ओ ग्रुप। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें, लॉन्गेस्ट चेन देखने के लिए आपको देखना होगा कीटो ग्रुप किधर से नज़दीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें जिसमें कीटो ग्रुप मौजूद हो, ये पेरेंट चेन कहलाएगी और जो ग्रुप इस चेन से बाहर होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे। उसके बाद नंबरिंग करनी है, चेन के जो कार्बन हैं उनको नंबर देने हैं, और नंबरिंग का रूल ये है कि जिस तरफ से कीटो ग्रुप नज़दीक है, सी ओ ग्रुप नज़दीक है, नंबरिंग उधर से करनी है। एल्डिहाइड में अगर याद करें, उसमें हमने कहा था कि जो सी एच ओ ग्रुप है वो हमेशा एंड पे होता है, तो इसलिए नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से शुरू होती है, वो हमेशा वन पे होते हैं। कीटोन में ऐसा नहीं होता, कीटो ग्रुप वन पे नहीं होता, वो वन के अलावा किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। तो जिस तरह से कीटो ग्रुप नज़दीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। रूल नंबर 3 और 4 वही हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देना, आखिर में चेन को नाम दें। कीटोन के लिए चेन का नाम होता है अल्केनोन। ये नाम कैसे मिलता है? लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन हों उतने कार्बन वाले अल्केन के नाम में से जो ई आता है उसकी जगह ओ एन ई लगा देते हैं, नाम बन जाता है अल्केनोन। मसलन प्रोपेन से प्रोपेनोन, ब्यूटेन से ब्यूटेनोन, पेंटेन से पेंटेनोन वगैरह। और यहाँ एक और काम क्या करना होगा कि कीटो ग्रुप की पोजीशन भी अल्केनोन से पहले लिखनी होगी। नंबरिंग हमने की हुई है तो कीटो ग्रुप के कार्बन को भी नंबर मिला होगा, तो वो इसकी पोजीशन होगी, तो सी ओ ग्रुप की पोजीशन लिखनी है, आगे हाइफन डालना है और फिर चेन का नाम अल्केनोन की तर्ज पे लिख देना है। ये कीटोन्स को आयुपैक सिस्टम के तहत नाम देने के रूल्स हैं। अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें इंक्लूडिंग दिस ग्रुप, तो 1, 2, 3, 4 या 3, 4, तो 4 कार्बन वाली चेन लॉन्गेस्ट होगी, चाहे राइट टू लेफ्ट चले जाएं, चाहे राइट टू बॉटम चले जाएं। नंबरिंग करें, दाईं तरफ से कीटो ग्रुप नज़दीक आएगा, दाईं तरफ से वो 2 पर आएगा जबकि बाईं तरफ से 3 पर आएगा, तो राइट साइड से नंबरिंग की। कार्बन नंबर 3, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करें। कार्बन नंबर 3 के साथ CH3 यानी मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 3-मिथाइल। फिर चेन को नाम दें, कीटो ग्रुप की पोजीशन 2, चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेन से ब्यूटेनोन, फुल नेम बन जाएगा 3-मिथाइल-2-ब्यूटेनोन, ये इस कीटोन का नाम है। अगली एग्जांपल देखें, लॉन्गेस्ट चेन, ये कीटो ग्रुप इंक्लूड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 7 कार्बन वाली चेन लॉन्गेस्ट होगी, चाहे राइट टू एक्सट्रीम लेफ्ट चले जाएं और चाहे राइट टू बॉटम चले जाएं, कार्बन नंबर 6 पर आकर नीचे चले जाएं, तो ये एक चेन सेलेक्ट कर लें। सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबरिंग करें, राइट साइड से कीटो ग्रुप नज़दीक आएगा 3 पर,
लेफ्ट से करेंगे तो वो 5 पर होगा। तो राइट साइड से नंबरिंग की, आप सब्स्टिट्यूएंट्स को पहचानें, ये जो ऑक्सीजन है ये कीटो ग्रुप का हिस्सा है तो ये चेन में इंक्लूड हो चुके हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर नहीं करना। सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, कार्बन नंबर 5 पर मिथाइल लगा है और कार्बन नंबर 6 पर भी मिथाइल लगा है, दो मिथाइल हैं, एक 5 पर और एक 6 पर, आप लिखेंगे 5-6 डाइमिथाइल। उसके बाद चेन को नाम देना है, कीटो ग्रुप की पोजीशन 3, कीटो ग्रुप की पोजीशन 3 और चेन में 7 कार्बन है, हेप्टेन से हेप्टेनोन, 3 हेप्टेनोन, चेन का नाम आया, फुल नेम आ जाएगा 5-6 डाइमिथाइल 3 हेप्टेनोन, 5-6 डाइमिथाइल 3 हेप्टेनोन। अगली एग्जांपल, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 7, चाहे लेफ्ट टू राइट जो चेन है वो ले लें और चाहे राइट टू बॉटम ले लें, दोनों एक जैसी बनेंगी। तो मैंने लेफ्ट टू राइट चेन सेलेक्ट की हुई है, ब्लैक कलर में कार्बन्स नज़र आ रहे हैं, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग अगर राइट साइड से करें तो 1 2 3 4, 4 पे कीटो है, और लेफ्ट से करें तो 1 2 3 4, लेफ्ट से भी कीटो ग्रुप 4 पे है, तो कीटो ग्रुप दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो रूल ये कहता है कि वैसे तो जिस तरफ से कीटो ग्रुप नज़दीक हो उधर से नंबरिंग करनी है, लेकिन अगर कीटो ग्रुप दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे हो तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखें वो किधर से नज़दीक है, जिधर से वो नज़दीक है उधर से नंबरिंग करें। तो आप देखें ये सब्स्टिट्यूएंट है जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, और ये लेफ्ट साइड से करीब होगा 1 2 3, 3 पर ये आएगा, जबकि राइट साइड से ये 5 पर आएगा। सो हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, आपको नंबरिंग रेड कलर में नज़र आ रही है। रूल नंबर 3, सब्स्टिट्यूएंट को नाम दें, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है इथाइल, तो हम लिखेंगे 3-ethyl। उसके बाद चेन को नाम देना है, उसमें कीटो ग्रुप की पोजीशन 4, 7 कार्बन है, हेप्टेन से हेप्टेनोन, चेन का नाम आएगा 4-heptanone और फुल नेम आ जाएगा 3-ethyl-4-heptanone। अगला स्ट्रक्चर देखें, लॉन्गेस्ट चेन एक ही चेन होगी, ये कार्बन्स की एक ही चेन है, बाहर कोई कार्बन नहीं है, तो ये चेन हो गई। नंबरिंग जिधर से कीटो ग्रुप नज़दीक है लेफ्ट से वो 3 पर आएगा और राइट से 4 पे आएगा, तो लेफ्ट से नंबरिंग की। सब्स्टिट्यूएंट को पहचानने, कार्बन नंबर जो 4 है इसके साथ ये क्लोरो ग्रुप लगा है, तो हम लिखेंगे 4-chloro। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम हो गया, आखिर में चेन को नाम दें। कीटो ग्रुप की पोजीशन 3, चेन में कार्बन है 6, हेक्सेन से हेक्सेनोन, चेन का नाम आया 3-hexanone, फुल नेम आ गया 4-chloro-3-hexanone। अगला स्ट्रक्चर, अगली एग्जांपल, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, 1 2 3 4 5 6 5 6, चाहे लेफ्ट टू राइट चले जाएं और चाहे कार्बन नंबर 5 से ऊपर चले जाएं, दोनों एक जैसी हैं। नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से कीटो 3 पर आएगा जबकि राइट साइड से 4 पे आएगा। नंबरिंग हो गई, सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दें, कार्बन नंबर 4 पे ये क्लोरो ग्रुप लगा है और ये कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, इनके नाम अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखें, पहले क्लोरो आएगा फिर मिथाइल, 4-chloro-5-methyl। फिर चेन को नाम दें, चेन के नाम में कीटो ग्रुप की पोजीशन 3 और चेन में 6 कार्बन है, हेक्सेन से हेक्सेनोन, 3-hexanone, चेन का नाम फुल नेम आ जाएगा 4-chloro-5-methyl-3-hexanone, या 5 मिथाइल भी है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, 4-chloro-5-methyl-3-hexanone ये नीचे दुरुस्त लिखा हुआ है। फिर दो मज़ीद एग्जांपल्स, ये दो आपको कीटोन नज़र आ रहे हैं, दोनों स्ट्रेट चेन कीटोन है, स्ट्रेट चेन कीटोन मीन सब्स्टिट्यूएंट कोई भी नहीं है, तो इनमें आपने करना ये होगा कि कीटो ग्रुप
इधर से नज़दीक है उधर से नंबरिंग करके डायरेक्ट चेन को नाम दे देना है। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला है इसमें दोनों तरफ से कीटो ग्रुप 3 पर है, सब्स्टिट्यूएंट है ही कौन नहीं, तो जिस तरफ से फिर मर्जी नंबरिंग कर दें। तो 3 पर कीटो ग्रुप है, चेन में 5 कार्बन है, नाम आएगा 3-pentanol। और ये जो राइट साइड वाला है इसमें लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से कीटो नज़दीक आएगा, कार्बन नंबर 2 पे ये नंबरिंग गलत है, ये 1, 2, 3, 4, 5 कार 2 पर कीटो ग्रुप आया, 5 कार्बन है, 2-pentanol। अब जो 2-pentanol और 3-pentanol है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी दिलचस्पी के लिए बताता चलो कि ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है क्योंकि कीटो ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। 2-pentanol में कीटो ग्रुप 2 पर है और 3-pentanol में 3 पर है। फिर ये 3 स्ट्रक्चर मजीद हैं, ये भी स्ट्रेट चेन कीटोन है, इनमें 7-7 कार्बन है, इनके नाम आएंगे हेप्टेनोन। कीटो ग्रुप की पोजीशन हर एक में मुख्तलिफ है, तो जिस तरह से कीटो ग्रुप नज़दीक है उधर से नंबरिंग करके आपने नाम लिख देना है। तो ये जो लेफ्ट वाला है इसका नाम 3-hepatenone आएगा, हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। अगला ये जो है ये 2-hepatenone है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। और नीचे वाला 4-hepatenone है, दोनों तरफ से कीटो 4 पे है, जिधर से मर्जी नंबरिंग कर दें। 2-hepatenone, 3-hepatenone और 4-hepatenone जो है ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। कुछ मजीद स्ट्रेट चेन कीटोन्स के नाम, जो सिंपल कीटोन जिनसे हमें अमूमन वास्ता पड़ता है, पहली एग्जांपल जो जिसके साथ बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ना है तो आपको इसका आईयूपीएसी नेम याद होना चाहिए। हमने शुरू में इसका एक नाम पढ़ा डाइमिथाइल कीटोन, एक इसका नाम पढ़ा एसीटोन। अब इसका आईयूपीएसी नेम प्रोपेनोन होगा, इसमें टोटल 3 कार्बन है, नंबरिंग की ज़रूरत ही नहीं है, कीटो 2 पर ही आएगा, सब्स्टिट्यूएंट है कौन नहीं, डायरेक्ट चेन को नाम दे दें, आखिरी रूल लगा दें, तो 3 कार्बन है, नाम बनेगा प्रोपेन से प्रोपेनोन। इसी तरह ये जो राइट वाला है इसका नाम 2-butanone, इसमें भी अगर 2 नाम भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता, ब्यूटेनोन 2 में कीटो ग्रुप 2 पी आएगा, कहीं और नहीं हो सकता। तो बहरहाल अगर 2 लिखते हैं तो नंबरिंग ये राइट साइड से करनी है। फिर ये 2-pentanol और ये 3-pentanol ये पिछली स्लाइड में भी गुजर चुके हैं। कुछ मजीद एग्जांपल 2-hepatenone, 3-hepatenone, 4-hepatenone इनकी भी एग्जांपल गुजर चुकी हैं। और फिर ये 6 कार्बन वाला है, इसमें कीटो ग्रुप 3 पर 3-hexanone और ये जो ऊपर वाला है ये 2-hexanone, इसमें भी 6 कार्बन लेकिन कीटो ग्रुप 2 पर है, तो ये 2-hexanone। अब 2-hexanone और 3-hexanone एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर हैं। आखिर में फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो एज यूजल आपने ये काम मुकम्मल करके कल भेजना होगा। शुरू में आ जाए, एक टेबल था उसको मुकम्मल करते हैं। इसमें मैंने कॉमन नेम बताए थे, साथ साथ आयुपैक नेम लिखी हुई हैं। अब आप आयुपैक नेम समझ सकते हैं कि वो नाम किस तरह बनते हैं। अब एसीटोन का आयुपैक नेम प्रोपेनोन है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, तो नाम बनेगा प्रोपेन से प्रोपेनोन। सेकंड वाले का लेफ्ट से नंबरिंग कर दें, 2 पे कीटो ग्रुप आएगा, टोटल 4 कार्बन है, 2-butanone। अगला कीटो ग्रुप दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है, सब्स्टिट्यूएंट है कौन नहीं, जिधर से मर्जी नंबरिंग कर दें, 3-pentanone नाम बनेगा। इससे अगला लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें, 3 पर कीटो, 6 कार्बन है, 3-hexanone। इससे अगला लेफ्ट से नंबरिंग करें, 2 पे कीटो ग्रुप, टोटल 5 कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट है कौन नहीं, 2-pentanone। और इससे अगला कीटो ग्रुप दोनों तरफ से 4 पे है, सब्स्टिट्यूएंट है कौन नहीं, जिधर से मर्जी नंबरिंग करें, 7 कार्बन है, नाम बनेगा 4-hepatenone। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने कीटोन्स का नामकलेक्चर सीखा, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नामकलेक्चर सीखेंगे। कल इंशाल्लाह उस लेक्चर के साथ पेशी खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।